नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले के राहतगढ़ थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें तीन लोगों की राहतगढ़ वाटरफॉल में डूबने से मौत हो गई है। वहीं दो लोगों की अभी तलाश जारी है। मामला राहतगढ़ थाना इलाके के वाटरफॉल का है, जहां पर सागर इतवारी टोरी निवासी नाजिम खान अपने परिजन और रिश्तेदारों के साथ पिकनिक मनाने आए थे। इसी दौरान नहाते वक्त ये हादसा हो गया, जिसमें कुल 6 लोग पानी में डूब गए। इनमें से नाजिया नामक लड़की को किसी तरह बचा लिया गया है, जिसे इलाज के लिए CHC राहतगढ़ भेजा गया है। वहीं डूबे गए 5 लोगों में से 3 के शव बरामद हो चुके हैं, जिनमें नाजिर और उसकी 2 बेटियां रोजी रूबी शामिल हैं। साथ ही 2 अन्य जिनकी तलाश की जा रही है, जिनके नाम हिना जो नाजिर की भांजी बताई जा रही है, और एक लड़का नसीम, इन दोनों की अभी तलाश जारी है। पुलिस अमला, वन विभाग और राजस्व अमला अभी मौके पर मौजूद हैं। वहीं मौके पर मौजूद मृतकों के मोहल्ले में रहने वाले सागर चंद्रशेखर वार्ड निवासी मोहम्मद अफसर ने बताया कि इन लोगों के करंट लगने से मौत हुई है और प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। ऐसे पिकनिक स्पॉट पर पानी को मोटर लगाकर खेतों में सिंचाई दी जा रही थी। जैसे ही यह हादसा हुआ तो यहाँ के खेती करने वाले ने करंट के तार इधर उधर कर दिए। प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। ये करंट से खत्म हुई है सब लोग। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफसर। कहाँ से? चंद्रशेखर वार्ड सागर से। किसी हमारे मोहल्ले के हैं सब लोग। यहाँ पर ये किस लिए आए थे? कितने? घूमने के लिए। घूमने के? कितने लोग हैं? 7 लोग थे। तो उसमें कुछ खत्म कितने हुए? अभी तो ये 6 लोग, 2-3 डेड बॉडी मिल गई है, 2 लोग को ढूंढ रहे हैं और एक भर्ती है अस्पताल में बच्ची। इस पर आप कोई किसी को इल्जाम लगाना चाहते हैं? हम तो प्रशासन को इल्जाम लगाएंगे, ये प्रशासन की लापरवाही है। आदमी पिकनिक स्पॉट पे करंट के मोटर लगी है, ये कौन सा तरीका है भाई? पिकनिक स्टाफ है, आदमी आएगा घूमने के लिए। जब आप आए थे तो मोटरों में वायर लगे थे? हाँ, लगे थे। अभी हमारे सामने निकाल के फेंके लोगों ने। अच्छा, किन लोगों ने निकाले? यहीं के होंगे कोई लोग, किसान वगैरह जो भी हों। राहतगढ़ वाटरफॉल जो कि बीना नदी में है, वाटरफॉल से लगभग 500 मीटर दूर सागर का एक परिवार है, ये नाजिर जो कि कटरा एरिया के रहने वाले हैं। इनके यहाँ कोई कार्यक्रम था तो इनके कुछ रिलेटिव भी आए हुए थे, तो ये स्वयं इनकी फैमिली और कुछ और रिश्तेदारों के बच्चों को लेकर के ऑटो से पिकनिक मनाने ये बीना नदी गए हुए थे। तो ऐसी जानकारी में आया है कि 6 लोग जो नहाने के लिए पानी में उतरे थे वो डूबने लगे और पुलिस को इमीडिएट इन्फॉर्म किया गया। एक बच्ची जो थी नाजिया, लगभग 16 साल जिसकी एज है, उसको बचा लिया गया और उसको सागर रेफर कर दिया है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। 5 लोग डूब चुके थे, जिसमें 3 की डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है और 2 जो डेड बॉडी अभी मिली नहीं है, जिसके लिए STRF और गोताखोर की टीम लगी हुई है और प्रयास कर रहे हैं कि इसमें बॉडी जल्दी रिकवर कर सकें। जो जिनकी डेड बॉडी मिल चुकी है उनके क्या नाम है? मेन इसमें नाजिर है जो कि कटरा एरिया का रहने वाला, वो स्वयं भी डूब गए हैं, जिनकी डेड बॉडी रिकवर भी हो गई है, और इनके 3 बच्चियां गई हुई थी, जिसमें एक बच्ची जीवित है, एक की डेड बॉडी मिल गई है और एक की बॉडी अभी नहीं मिली है। और इनके कोई रिलेटिव थे सिलवानी के रहने वाले राज खान, उनकी 2 बेटियाँ गई हुई थी, जिसमें एक की डेड बॉडी रिकवर हो गई है और एक की बॉडी अभी नहीं मिली है। और इनकी वाइफ, इनका लड़का जो लगभग 10 साल का था, और साथ में एक इनके रिश्तेदार और हैं, उनका लड़का सलमान जो 8 साल का है, ये तीनों नदी किनारे, इनकी वाइफ खाना बना रही थी, उनके साथ 2 बच्चे थे, लोग बच गए।